स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुवाद रचना अनुवाद कौमुदी से और जो डॉक्टर कपिल देव त्रिवेदी जी की है। तो आज अभ्यास हम पाँच का जो नियम कर रहे हैं उसमें हम लोग कल तो हम लोगों ने वीडियो में हम लोगों ने देखा था रूप और धातु रूप। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कारक। ठीक है, अब दोस्तों जो कारक है वो हमारी सात विभक्तियों तक है और एक संबोधन है। तो लेकिन इसमें द्विवेदी जी ने मात्र प्रथमा संबोधन और द्वितीय प्रथमा संबोधन और द्वितीय विभक्ति का ही जिक्र किया है। ठीक है, तो आपको द्विवेदी जी सिर्फ प्रथमा संबोधन और द्वितीय के बारे में ही बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं कि नियम दस। देखिए, इन्हें नियम दस कहे हैं कि कर्ता यानी कि व्यक्ति नाम वस्तु नाम आदि में प्रथमा होती है। जैसे रामः पठति। जैसे कि रामः पठति, इन्होंने कहा तो रामः पठति में क्या हो गया है कि पठति धातु है। ये पठति क्या है? धातु है। और राम क्या है? आपका संज्ञा है, अर्थात रूप चलता है इसका। तो यही कह रहे हैं जिसका भी नाम हो, जो संज्ञा हो, हाँ उसमें क्या होगी? प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, कहते हैं कि व्यक्ति का नाम और वस्तु के नाम में वो कर्ता होता है। जो व्यक्ति का नाम और वस्तु का नाम होगा वो कर्ता होगा और उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। ये सिंपल सी बात उन्होंने बता दी है। ठीक, जैसे कि रामः पठति में राम करता है और पठति में क्या है? पठति धातु है। तो रामा में हमने कर्ता लगाया है। रामा क्या है? कर्ता है, ये जाना। फिर दूसरा नियम कहता है कि किसी को संबोधन करने यानी पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। हाँ, संबोधन विभक्ति होती है अर्थात तो उसमें प्रथमा लगती है। संबोधन विभक्ति तो होती है लेकिन संबोधन में क्या लगती है? प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, तो जैसे हम पुकारते हैं कि इन्होंने कहा है जैसे कि हे राम हे कृष्ण, और संबोधन का चिन्ह ही होता है ये। हाँ, इसका चिन्ह होता है हे राम हे कृष्ण, ये पुकारा जा रहा है ना, तो हे ये क्या है? संबोधन है। तो वहाँ भी प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। इसमें दिया तो नहीं है, सिर्फ संबोधन की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नियम बारह कहते हैं कि कर्तुरिप्सितम कर्म, कर्ता जिसको व्यक्ति वस्तु या क्रिया को बहुत चाहता है उसमें कर्म, वो उसी क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। कहते हैं कि ये सूत्र है दोस्तों, कर्म का सूत्र है। कर्तुरिप्सितम कर्म अर्थात कर्ता जिसको अत्यधिक चाहे उसमें कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो देखिए कैसे कह रहे हैं, उसमें कर्म कहते हैं। ये आपको इन्होंने ये सूत्र के माध्यम से बताया कि कर्म किसे कहते हैं। हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे कर्म को निकालने का, लेकिन आप पढ़ लीजिए पहले। हाँ, बारवां नियम ये कहता है कर्तुरिप्सितम कर्म, कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जिसे अत्यधिक चाहे उसे कर्म कहते हैं, ये कह रहे हैं। नियम 13 कहता है कर्मणि द्वितीय, और जिसमें अधिक चाहेगा वो कर्म होगी और उसी कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, कर्मणि द्वितीय और कर्तुरिप्सितम कर्म, ये दो सूत्र कर्म के हैं। ठीक, कर्म में द्वितीय होती है, जैसे रामः विद्यालयम गच्छति। ये क्या है यहाँ पे? रामः विद्यालयम गच्छति, स पुस्तकम पठति, स रामम पश्यति, स फलम इच्छति, ते प्रश्नम पृच्छन्ति। तो इसमें राम जाता है, तो राम का इष्टतम, राम किसे सबसे ज्यादा चाह रहा है? कह रहे विद्यालय को, तो विद्यालय में कर्म संज्ञा हुई है। अब दूसरी तरह से मैं आपको समझाने की प्रयास कर रही हूँ कि कर्म हम कैसे पहचानेंगे किसी भी वाक्य में। हमारी जो क्रिया होती है, हाँ अर्थात धातु जो होती है उससे हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, जैसा हमारी धातु की उसी से हम प्रश्न करेंगे, क्या कहाँ क्या कहाँ इत्यादि का हम प्रश्न करेंगे। तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वही क्या होगा? कर्म होगा।
वही कर्म क्या होगा दोस्तों, कर्म होगा। जैसे कि कह रहे हैं राम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। तो आपको पहले ही पता है कि जो करने वाला होता है, जो नाम और वस्तु होगा वो तो आपका स्टार्टिंग में होगा, नाम और वस्तु होगा वो तो क्या होगा आपका, कर्ता होगा, करने वाला व्यक्ति कर्ता होगा, ठीक, जो संज्ञा होगी वो कर्ता होगा। हाँ, और गच्छति ये धातु है, क्रिया है। अब हम गच्छति से प्रयोग करें, गच्छति मतलब जाता है, तो अब हम जाने से प्रश्न कर रहे हैं कि जाता है, तो जाने से तो हम क्या का प्रश्न नहीं कर सकते, कहाँ का प्रश्न करेंगे, तो जाने से प्रश्न हम किए कहाँ जाता है, ठीक। तो हमें उत्तर क्या मिला, मिला विद्यालय जाता है। तो विद्यालय क्या हो गया दोस्तों, आपका कर्म हो गया, विद्यालय दोस्तों आपका कर्म है। इस तरह से कर्म को निकाला जाता है, कर्म का पता लगाया जाता है। अब ये संस्कृत में ये दो सूत्र आप जरूर याद रखिए, रहिए कर्तुरीप्सितम कर्म और कर्मणि द्वितीया, ये कर्म के दो सूत्र हैं। कि कर्म किसे कहते हैं, तो एक सूत्र में संस्कृत में बोला जाता है कि कर्ता जिसे अत्यधिक चाहे उसे कर्म कहते हैं, और दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया, और जो कर्म होगा उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ये देखिए विद्यालयम में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है, विद्यालयम में आपके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे देखिए स पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। स क्या है, करता है, पठति क्या है, धातु है ना, धातु अर्थात क्रिया। तो हमने पठति अर्थात धातु मिल गया, अब धातु से हम प्रश्न किए पठति पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है का प्रश्न किए, क्या का प्रश्न किए, उत्तर क्या मिला, पुस्तक, उत्तर मिला हमें पुस्तक। तो ये पुस्तक हमारा क्या है, कर्म है, ये पुस्तक हमारा कर्म है, ठीक है। इस तरह से हम कर्म का पता लगाते हैं। स रामम पश्यति, वह राम को देखता है, राम वह क्या है, करता है, वह करता है, देखना क्या है, उसकी क्रिया है, धातु है, ठीक, देखना। तो देखने से हम प्रश्न किए क्या का, कि अब देखता है, देखना तो हम किसको का प्रश्न करेंगे ना, क्या देखता है या किसको देखता है, तो उत्तर हमें क्या मिला, राम को देखता है। तो राम क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। तो जो उत्तर हमें मिलेगा धातु से वही हमारा कर्म होगा। स फलम इच्छति, वह फल की इच्छा करता है, तो वह करता है, इच्छति धातु है, अब धातु से हम क्या का प्रश्न किए, इच्छति से वह किसकी इच्छा करता है, उत्तर हमें मिला फल की। तो फल हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, और जहाँ कर्म होगा वहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगेगी, कर्मणि द्वितीया से, ठीक है। और क्या है, ते प्रश्नम पृच्छन्ति, वे प्रश्न पूछते हैं, तो वे ते हमारा क्या हो गया, ते क्या हो गया, कर्ता हो गया, और पृच्छन्ति क्रिया हो गई। अब इस क्रिया यानी धातु से हम प्रश्न पूछेंगे, क्या पूछती है वह, वे सब क्या पूछते हैं, तो उत्तर मिला प्रश्न। तो प्रश्न हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, और इसमें लग गई द्वितीया, कर्मणि द्वितीया सूत्र से इसमें द्वितीया लग गई, ठीक। अब आगे का नियम देखिए, नियम 14, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति अनु के साथ द्वितीया होती है। एक चीज़ और जान लीजिए कि जहाँ कहीं भी आपको अभितः, ठीक, अभितः, हाँ, परितः, अभितः, परितः, ये दोनों चारों तरफ से मतलब है, चारों ओर, समया निक्षा, निक्षा मतलब पास में, समया मतलब समया निक्षा, ये इसका अर्थ भी क्या हो गया, पास में, हा प्रति अनु, इन ये सारे अवयों के साथ, ये सारे जो अव्यय आते हैं इनके साथ हम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे कह रहे हैं ग्रामम अभितः, ग्राम के चारों ओर, गांव के चारों ओर, हाँ, अभितः गांव की ओर, गांव के चारों ओर, परितः हो जाएगा, तो ग्रामम अभितः, तो अभितः आ गया ना, इस वजह से, इस अभितः की वजह से यहाँ ग्राम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। ये भी कारण है द्वितीय विभक्ति का पता लगाने का, ठीक। एक कर्तुरीप्सितम कर्म का कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहे,
उसमें कर्म होती है, ठीक है। और दूसरा, जहाँ पे ये सारे शब्द आ जाएं, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु, ये सारे शब्द आ जाएं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु, ये इतने सारे शब्द जहाँ आ जाएं तो वहाँ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस अव्यय में नहीं करेंगे, लेकिन ये अव्यय जिसके साथ में लगेगा, जिसके साथ लगेगा ये अव्यय, उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक। और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने का मतलब उसमें कर्म कारक है ना। तो गांव के दोनों, अभितः मतलब क्या हो गया, दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, तो ग्रामम अभितः गांव के दोनों ओर, वनम निक्षा समयावा मतलब होता है समीप, समयावा अर्थात वन के समीप, वा निक्षा समया वा मतलब अथवा, निक्षा बोलिए या समया बोलिए, दोनों का अर्थ होता है समीप, ठीक। तो ये सारे शब्द यदि आ जाएं तो वहाँ भी द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए गति, गति का मतलब होता है चलना, हिलना, जाना, ठीक। अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीय होती है, ठीक। क्या है, ग्रामम गच्छति, वनम विचरति, तृप्तिम गच्छति, स्मृतिम गच्छति। तो कह रहे गति, हिलना, कोई व्यक्ति चल रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, ऐसी कोई गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देख जैसे बता दिया ग्रामम गच्छति, गांव को जाता है, तो गच्छति मतलब जाना है, तो मूव कर रहा है ना, गति कर रहा है, तो गांव में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। वनम विचरति, वन का विचरण कर रहा है, तो विचरण करने में भी गति होती है, हिलना डुलना हो जाता है, तो वन में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तृप्तम गच्छति, तृप्तम तृप्ति, गच्छति जाती है, तो क्या हो जाएगी, तृप्ति में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब तृप्ति क्या है, हिल डुल रही है ना, गति कर रही है, तो तृप्ति में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। स्मृतिम गच्छति, स्मृति जाती है, तो स्मृति में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से तीन जगहों पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इन्होंने बताया है। हाँ, एक तो कर्तुरीषितम कर्म, कर्म जिसे अत्यधिक कर्तुरीषितम कर्म, कर्ता जिसे अत्यधिक चाहे, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः परितः समया निकषा हा प्रति अनु के साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। और तीसरा ये होता है कि जहाँ पे मूवमेंट हो, गति हो, जहाँ पे हिलना डुलना हो, वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इन तीन जगहों पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। द्वितीय विभक्ति जहाँ होती है वहाँ पर कर्म कारक होता है। और दोस्तों सिर्फ ये तीनों ही नहीं, अब कारक की बात आई है तो हम आपके सामने ये पूरा कारक लेकर के आए हैं, आप इसे भी पढ़ लीजिए। देखिए ये कारक है, उसके साथ चिन्ह लगा चिन्ह है, और फिर यह है विभक्तियाँ, ठीक है। अब भी आपको द्विवेदी जी ने प्रथमा, द्वितीय और संबोधन के बारे में बताया है, और बाकी के बारे में आप स्वतः भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं एक मिनट, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन ही अरे भो, ये हैं पूरे आपके कारक। अब इसमें देखिए कौन कारक में कौन सी विभक्ति लगी है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, करण में तृतीय, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। और संबोधन में मैंने आपको बताया ही कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इसको भी आप जरूर पढ़िए। तो ये रहा वीडियो आपका, आज का जो अभ्यास पाँच का जो नियम था सारे, वो आज आपके पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग जो करेंगे वो अभ्यास पाँच को के अभ्यास पाँच की जो अभ्यास को करेंगे, ठीक है। जो द्विवेदी जी ने अभ्यास दिए हैं, संस्कृत से हिंदी बनाना, हिंदी से संस्कृत बनाना, वाक्य को शुद्ध करना इत्यादि को, वचन में एक वचन बनाना, बहुवचन बनाना इत्यादि को हम करेंगे, जिससे हम जो है इन अभ्यास पर और भी मस्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ, नमस्कार।